गुड मॉर्निंग क्लास, चैप्टर थर्ड वर्किंग विद विंडोज 7 इज गोइंग ऑन। इन आर लास्ट क्लास वी कवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ टुडे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ विंडो 7। आपको यहाँ पर विंडो 7 के कोई भी दो फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है। लेट्स सी, टू फीचर्स ऑफ विंडो 7 आर, आपके टू फीचर्स विंडो 7 के कौन कौन से हैं देखिए। नंबर फर्स्ट, विंडोज़ इज़ अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़। विंडो जो होती है आपकी वो अट्रैक्टिव होती है। विंडो 7 कैसी होती है? अट्रैक्टिव होती है एंड यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, कोई भी उसको ईजिली यूज़ करना सीख सकता है। सेकेंड, सर्चिंग मेड ईजियर। विंडो 7 में आप कोई भी चीज़ ईजिली सर्च कर सकते हो। वहाँ पर सर्च का ऑप्शन गिवन होता है, आप वहाँ पर जा कर के कोई भी चीज़ ईजिली सर्च कर सकते हो विंडो 7 में। अगर आपको कोई फोल्डर नहीं मिल रहा या आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, आप वो इजीली सर्च कर सकते हो सर्च ऑप्शन में जा कर के। ये फीचर आपका विंडो 7 में अवेलेबल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज़ शॉर्टकट? शॉर्टकट क्या है आपका? अ शॉर्टकट इज़ एन आइकन दैट प्रोवाइड एन ईजी एंड क्विक मैथड टू ओपन एनी एप्लीकेशन। शॉर्टकट जो है आपका आइकन होता है जो कि प्रोवाइड करता है ईजी एंड क्विक मैथड किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का एक ईजी एंड शॉर्टकट मेथड होता है आपका जो शॉर्टकट है। सो अ शॉर्टकट इज़ एन आइकन दैट प्रोवाइड एन ईजी एंड क्विक मेथड टू ओपन एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर दैट वी यूज फ्रीक्वेंटली। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर? आपको फाइल एंड फोल्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। सो फाइल, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर टुगेदर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस। फाइल क्या होती है आपकी? फाइल आपका कलेक्शन होता है कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन का जो कि कहाँ पर स्टोर होती है, एक साथ आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। कोई भी आपकी स्टोरेज डिवाइस हो गई लाइक हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव, आप यहाँ पर अपनी फाइल को ईजिली स्टोर कर सकते हो। फाइल आपकी बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप अपने स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हो। एंड स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हो गई आपकी? हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड पेन ड्राइव, दीज आर योर स्टोरेज डिवाइसेस। नाउ फोल्डर, अब देखिए फोल्डर क्या है। एज वी कीप आर फाइल्स इन अ फाइल कैबिनेट, जैसे हम फाइल्स जो होती हैं हमारी वो कहाँ पर रखते हैं? फाइल कैबिनेट में रखते हैं। सिमिलरली जो हमारा फोल्डर होता है कंप्यूटर में इज़ लाइक अ कैबिनेट। वो कैसा होता है? वो कैबिनेट की तरह ही होता है जहाँ पर आप अपनी रिलेवेंट फाइल्स स्टोर कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर आइकन? कंप्यूटर आइकन का आपका क्या यूज़ होता है इसके बारे में आपको बताना है। अब कंप्यूटर आइकन्स आपके होते क्या हैं? एन आइकन इज़ अ स्मॉल इमेज यूज टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आइकन आपकी स्मॉल इमेज होती है जो कि यूज़ की जाती है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को। आइकन मेक इट ईजियर टू रिकॉग्नाइज एंड लोकेट आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर। आइकन की हेल्प से आप ईजिली किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, किसी भी फाइल को या फिर फोल्डर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, या आप बोल सकते हो किसी भी आइटम को रिकॉग्नाइज कर सकते हो एंड लोकेट कर सकते हो अपने कंप्यूटर में और फीचर विद इन अ प्रोग्राम। सो दीज आर योर क्वेश्चन आंसर्स। विद दिस योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। नाउ इन आर नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू।